जिस तरह आप सुन रहे हैं इस वक्त में कोरोना काल जिसे कहते हैं, मैंने उसे लेकर ये वक्त क्यों आया हम पर एक कविता लिखी। अच्छा, ऐसा वक्त क्यों आया दुनिया में, ये वक्त क्यों आया हम पर। मैंने सोचा क्या हुआ, क्या ऊपर वाला नाराज़ है, विधाता नाराज़ है। कहते हैं ना कि कोई ऐसी महामारी हो या कोई ऐसी बात हो, कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा, ऐसी कुछ आए विपदा, तो इसका मतलब कि ऊपर वाला नाराज़ है। कहते हैं लोग कुदरत नाराज़ है, यानी ऊपर वाला नाराज़ है। खुदा कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, वो नाराज़ है, वो नाराज़ है। तो मैंने, मुझे लगा क्यों नाराज़ है आखिर, क्या कारण हो सकता है। तो उसके जो कारण मुझे जो समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ, वो मैं एक कविता लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मंच पर बैठी हुई सभी बहुत अच्छी जो शायरा हैं, उन सब को बड़े, उन सब की इजाज़त लेते हुए मंच से और आप सब से भी, और ये मौज़ा मौली साहब भी बैठे हैं, मुझे लगता है दिल से तो ये भी कहीं ना कहीं हैं तो शायर ही। बिल्कुल, क्योंकि शायरी के लिए जो इनका रुझान है ये ज़रूर हैं। तो इसीलिए और शुरू से आखिर तक बैठ के बड़े उससे सुनते हैं और हमेशा इनका ये आग्रह रहता है। इत्तेफाक से मैं भी यहाँ थी तो मैं, ये चेतावनी है परमपिता की, वो क्या चेतावनी दे रहे हैं इंसान को, वो मैं आपको सुना रही हूँ। स्वागत है इरशाद। अभी कहीं सुनाई नहीं है, सुना रही। यह कैसा हाहाकार मचा, पूरब से पश्चिम तक फैला, यह रोग कहाँ से आया है, यह कौन पाप की छाया है। दुनिया भर में कितनी मौतें, इतने साधन पर नहीं रुके, यह महारोग का है प्रकोप या स्वयं विधाता का है को। वाह, क्या बात है। सोचा क्यों ऐसा घटित हुआ, सपने में आए परमपिता, मैंने प्रणाम करके पूछा, क्यों रुष्ट हो प्रभु, अपराध है क्या। क्या बात। तब कुपित विधाता यूं बोले, मैंने सारा ब्रह्मांड रचा, जग को भी एक विधाता दूं, यह सोच के मानव को सिर जा। वाह 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 वाह, कि जग को भी एक विधाता दूं, यह सोच के मानव को सिर जा। जो इस जग का निर्माण करे, मेरी रचना में रंग भरे, जग के जीवों को रक्षा दे, जो हर प्राणी से प्रेम करे। वाह 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 वाह। मानवता बुद्धि विवेक दिया, लेकिन स्वार्थ ही याद रहा, जिसे प्रेम बांटना था जग में, वह जग को बांटने। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जिसे प्रेम अच्छा बांटना था जग में, वह जग को बांटने निकल पड़ा। वाह। धरती बांटी, अंबर बांटा, सागर नदियों को बांट दिया, मेरी हर विराट रचना को इसने टुकड़ों में बांट दिया। यह पवन, सूर्य, किरणें, बादल, मानव की पहुंच से दूर रहे, अन्यथा बांट कर इनको भी निश्चित कर देता इनकी हदें। क्योंकि हाथ में नहीं आते पवन, सूरज की किरणें और बादल, ये इंसान की पकड़ में नहीं आते, वरना तो इनकी भी हदें वो तय कर देता जैसे नदियों की कर देते। वाह। कोई धर, कई धर्म भेद, कई देश भेद, कई कई धर्म भेद, कई देश भेद, कई संप्रदाय में बांट दिया, कहीं जाति भेद, कहीं रंग भेद, मानव मानव को बांट दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुदरत से लेते रहे सदा,
देने पर नहीं विचार किया, यह धर्म अपने सुख सुविधा की खातिर जल थल में विष संचार किया। प्रदूषण जिसके कारण ये हालात पैदा हुए, हर देवालय में मुझको, क्या कह रहे हैं विधाता, वो कह रहे हैं मैं तो एक हूँ भाई, ये लेकिन क्या क्या कर दिया है कुछ लोगों ने, मैं एक ही हूँ, मुझे किसी नाम से पुकारो, आप हम अपने पिता को अब्बा कहें, पापा कहें, डैडी कहें, बाबूजी कहें, है तो वो पिता ही, वाह, वो तो एक ही है, उसको हम अलग अलग नाम से पुकारें वो अलग बात है, तो उसे लेकर के ये इस तरह का क्यों, ऐसी सोच क्यों समाज में, ये तो वो कहता है परमपिता, वो परमात्मा, वो खुदा, वो क्या कहते हैं, हर देवालय में मुझको अपने ही विरोध में खड़ा किया, यह धर्म बड़ा है वह छोटा, मुझसे ही मुझको लड़ा दिया। वाह वाह, क्या किया इंसान ने, वाह वाह, यह हर देवालय में मुझको अपने ही विरोध में खड़ा किया, यह धर्म बड़ा वह छोटा है, मुझसे ही मुझको लड़ा दिया। वाह क्या बात है, इसका मंदिर उसकी मस्जिद, वह चर्च और वह गुरुद्वारा, रखे नाम भी मेरे अलग अलग, किया परम पिता का बंटवारा। पंडित मौलाना धर्म गुरु, पंडित मौलाना धर्म गुरु, पादरी पुजारी सब सुन ले, मेरी रक्षा करना छोड़े, मैं खुद सक्षम हूँ क्षमा करें। वो विधाता कहते हैं मेरी वो छोड़ो। पंडित मौलाना धर्म गुरु, पादरी पुजारी सब सुन ले, मेरी रक्षा करना छोड़े, मैं खुद सक्षम हूँ क्षमा करें। करो रक्षा जग के जीवों की, अरे उनकी रक्षा करो, मैंने इसलिए तुम्हें ये विधाता बनाया इस दुनिया में, करो रक्षा जग के जीवों की, अपने कर्तव्य पे ध्यान धरे, मेरी चिंता करना छोड़े, निर्बल निर्धन को रक्षा दें। वाह वाह, ब्रह्मांड समूचा घर मेरा, क्या कहते हैं, ब्रह्मांड समूचा घर मेरा, ये सब भी पूरा ही मेरा ही घर है विधाता का, मेरे क्या घर बनाते हो, ब्रह्मांड समूचा घर मेरा, क्यों मेरे घर बनवाते हो, यह श्रद्धा है या तुम मुझको अपनी क्षमता दिखलाते हो। वाह, ब्रह्मांड समूचा घर मेरा, क्यों मेरे घर बनवाते हो, यह श्रद्धा है या तुम मुझको अपनी क्षमता दिखलाते हो। वाह, मंगल या चांद पे बसने का यह स्वप्न अभी तुम रहने दो, बहुत उड़ान, मंगल पे जाएंगे वहां बसेंगे, चंद्रमा पे जाएंगे, अरे भाई कोई धरती, इस धरती पर तो कुछ मेहरबानी करो, धरती के बारे में तो सोच लो। वाह, मंगल या चांद पे बसने का यह स्वप्न अभी तुम रहने दो, पहले धरती माँ की सुध लो, आकाश की बातें रहने दो। वाह क्या कहने, यदि मुझको प्रसन्न करना है, विद्या के मंदिर बनवाओ, किसी दिन दुखी को आश्रय दो, कुछ सेवा मंदिर बनवाओ। जहाँ वंचित पाता है शिक्षा, जहाँ वंचित पाता है शिक्षा, प्रभु का आशीष बरसता है, रोगी को सेवा मिले जहाँ, वहाँ स्वयं विधाता हंसता है। धन दौलत भेंट चढ़ावों से मेरा विधान नहीं बदलेगा, धन दौलत भेंट चढ़ावों से मेरा विधान नहीं बदलेगा, जो कर्म करोगे भोगोगे, जो कर्म करोगे भोगोगे, कभी मेरा न्याय न बदलेगा। वाह 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 वाह, मुझे नाम दिए तुम लोगों ने, मुझे नाम दिए तुम लोगों ने, मैंने कब अपना नाम रखा,
मुझे खुदा कहो या परमात्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात, मुझे क्या बात? नाम दिए तुम लोगों ने, मैंने कब अपना नाम रखा। ये तो हमने इंसानों ने नाम दिया है ना। मुझे खुदा कहो या परमात्मा, वो एक ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, क्या बात। जिस धर्म के नाम पे खून बहे, वह धर्म मुझे स्वीकार नहीं। मानव मानव का शत्रु बने, ऐसी पूजा स्वीकार नहीं। वाह 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 वाह। ऐसे मंदिर मस्जिद या चर्च, चाहे सोने से मढ़वा दो, कभी उनमें नहीं रहूंगा मैं। आरती करो या जान दो। वाह क्या बात। धन के लोभी जो धर्म दूत हर जगह, धन के लोभी जो धर्म दूत किस धर्म की राह दिखाएंगे। खुद माया जाल में जकड़े हैं, तुमको क्या त्याग सिखाएंगे। वाह। खुद माया जाल में जकड़े हैं, तुमको क्या त्याग सिखाएंगे। वाह 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 वाह। बस एक ही रट जो इस युग की देन है, जिसके कारण ये तमाम हालात पैदा हुए हैं। बस एक ही रट पैसा पैसा, एक ही चाहत पैसा पैसा, बस एक धर्म पैसा पैसा, एक ही ईश्वर पैसा पैसा। वाँ सरकार वाँ। प्रशासन ने हर जगह पूज रहा है पैसा, चोरी से मिले या हिंसा से, काला हो या उजला पैसा। वाह 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 वाह। पैसे पर तुलती है विद्या, हर विद्यालय मांगे पैसा, उस रोगी का उपचार न हो यदि उसके पास नहीं पैसा। वाह। छल कपट मिलावट घूस सही, छल कपट मिलावट घूस सही, कैसे भी मिल जाए पैसा, पूजा के बदले भक्त मेरे भी मांग रहे मुझसे पैसा। पूजा में ये कह रहे हैं भगवान मुझे ये, वो भगवान भी ऊपर वाला भी हंसता ही होगा। वाह। पूजा के बदले भक्त मेरे भी मांग रहे मुझसे पैसा। क्या कहने, क्या कहने? इस जग को दें जो धर्म ज्ञान, वे सिद्ध तपस्वी कहाँ गए। मानवता सींचे मानव में, ज्ञानी फकीर वे कहाँ गए। वाह वाह वाह। हद हुई स्वार्थ और लालच की, अब हदें तोड़ दी हैं सारी। मेरा घर मेरी संतान, मेरा धन मैं की बलिहारी। सिर्फ मैं, क्या कहने, क्या कहने? मैं, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस सब कुछ उन्हीं के लिए चाहिए और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। ये परमात्मा नाराज नहीं होगा तो क्या होगा। वाह। हद हुई स्वार्थ और लालच की, अब हदें तोड़ दी हैं सारी। मेरा घर मेरी संताने, मेरा धन मैं की बलिहारी। रूठा है राम रूठा रहीम, वह ऊपर वाला रूठ गया। हो गया रुष्ट वह परम पिता, जग का रखवाला रूठ गया। सुनो उसकी यह ललकार सुनो, यह रोष भरा फरमान सुनो। वह रुष्ट हो गया हम सब से, सुनो उसका यह ऐलान सुनो। इस बार सजग करता हूँ मैं, यह चेतावनी मेरी सुन लो। मेरा संदेश सुनो समझो, आंखें खोलो जागो संभलो। क्या कहने? सदकर्म विनय करुणा सेवा और क्षमा शील धारण कर लो, ये ही गुण मानव धर्म के हैं, अंतर मन में धारण कर लो। वाह क्या बात। यदि अब भी बोध नहीं जागा, अंतिम पंक्तियां हैं, यदि अब भी ज्ञान नहीं जागा, अवसर दूसरा नहीं दूंगा। उस प्रलय की एक झलक है ये, संभलो फिर साथ नहीं दूंगा। वाह। उस प्रलय की एक झलक है ये, संभलो फिर साथ नहीं दूंगा। वाह। ये वो एहसास जो मैंने मन में महसूस किया,
उसे मैंने इसमें लिखा है, कहा है। और महिला दिवस पर ये हो रहा है आयोजन, उसके उपलक्ष्य में कल है महिला दिवस। तो जो लोग, कुछ लोग जो औरतों को कहते हैं कमज़ोर हैं, हालांकि समाज में उन्हें शक्ति कहा जाता है, लेकिन कमज़ोर औरतों को जो मानते हैं, उनसे एक शेर है किसी का, मेरा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, वो इस अवसर पर कहना चाहूँगी कि कमज़ोर मत समझो, कि कागज़ की कश्तियाँ भी बहुत काम आएंगी। वाह। कागज़ की कश्तियाँ भी बहुत काम आएंगी जिस दिन तुम्हारे शहर में सैलाब आएगा। जिस दिन तुम्हारे शहर में सैलाब आएगा। तो ये जो हैं सब, ये सब अपने आप में शक्ति का रूप हैं। और मैं यही कहूँगी महिला दिवस को कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये 8 मार्च जो महिला दिवस है, भाई ये क्या है? बाकी एक दिन महिला दिवस है, बाकी 364 दिन किसके हैं? हैं? मेरे ख्याल में ये महिला दिवस इसलिए है कि एक रिमाइंडर दिवस है समाज को, महिलाओं को, सबको, ये रिमाइंड कराने के लिए, पुरुषों को भी, कि हम हैं, महिलाएं हैं, और वो 50% हैं, और वो हैं तभी ये घर बार है, ये परिवार है, और ये संसार है। तो दुनिया, उनका आप सम्मान करें, उनका आदर करें, तभी ये समाज फलेगा फूलेगा, तभी हर परिवार आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया।